नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया और मैं केतु मंडला। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। रोहानिया थाना क्षेत्र में पुलिस के अत्याचार से पीड़ित लोगों का हाल चाल जानने समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल हरसोस गांव पहुंचा। इस मौके पर सपा के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पुलिस के दमन से आज हर कोई पीड़ित है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा सरकार द्वारा इस मुद्दे की जांच कराई जाए। प्रतिनिधिमंडल ने आगे कहा कि वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर यहां पहुंचे हैं। बांदा में सरदार पटेल की जयंती मनाने के लिए डीएम ने प्रेसवार्ता की। इस दौरान डीएम ने बताया कि कई विभागों में चल रही योजनाओं के बारे में जनता को बताया जाएगा। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भव्य तरीके से मनाई जाएगी। इस मौके पर कई विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे और बैलून की सवारी की भी व्यवस्था की जाएगी। लोगों के इलाज के लिए कैंप भी लगवाए जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती को बड़े धूमधाम और भव्य तरीके से मनाया गया। विगत वर्ष हम लोगों ने ये कार्यक्रम स्टेडियम में किया था। इस बार इसको हम लोग नवाब टैंक ऑक्सीजन पार्क जो कि सटा हुआ है वहाँ कर रहे हैं। वाराणसी के डीजी कार्यालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया। आनंद फानंद में महिला को दीनदयाल अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर महिला का इलाज कर रहे हैं। बता दें कि पीड़ित महिला का पति भदोही में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है। वो काफी दिन से पत्नी को भरण पोषण के लिए पैसे नहीं दे रहा है। इससे महिला काफी परेशान थी। महिला ने अधिकारियों के भी चक्कर लगाए लेकिन उसे कहीं से न्याय नहीं मिला जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। बरेली में बाल श्रम मजदूरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ज्यादातर इंडस्ट्रियल कंपनियों में 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं इसको लेकर श्रम विभाग के अधिकारी महीप सिंह का कहना है कि शासन के दबाव के चलते हम इंडस्ट्रियल कंपनियों पर कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। वाराणसी में पीएसीएल पीड़ित निवेशकों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को यह आदेश दिया था कि पीएसीएल सभी निवेशकों का पैसा वापस करे। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है। इसलिए हम अपने सांसद और प्रधानमंत्री मोदी से ये अपील करते हैं कि हमारा पैसा हमको वापस दिलवाया जाए। आगरा में लूट के आरोपी ने पुलिस चौकी में खुद को आग लगा ली। आनंद फानंद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले ने तूल जब पकड़ा जब उसे गंभीर हालत में दिल्ली रेफर करना पड़ा। आपको बता दें कि युवक एक ट्रक चालक से मोबाइल और रुपए लूटते पकड़ा गया था। वहीं उसके दो साथी फरार हो गए थे। इस मामले में एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि जांच के बाद लापरवाह पुलिस कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिविलियंस ने और चौकी इंचार्ज ने और कॉन्स्टेबल ने जो कि उस समय मौजूद थे और ड्राइवर ने इन लोगों ने उसकी आग बुझाई और तुरंत ही उसको जो है आनंद फानंद में चौकी की जीप में लाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया। उसका इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक युवक ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। वही बचाव में आई अपनी सास साली और मासूम बच्ची को हमला कर घायल कर दिया। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी की बुरी तरह पिटाई कर दी जिसमें उसकी भी मौके पर मौत हो गई। मामले में एसपी का कहना है कि जांच की जा रही। वहीं घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज पति पत्नी में कुछ बातों के लिए विवाद हुआ जिसमें वो आक्रोश में अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला किया। उसकी सास और साली बचाने के लिए उनको भी उसने हमला किया। प्रयागराज में कई दिनों से गायब युवक का शव नवाबगंज थाना क्षेत्र करे आनापुर स्थित आईकेएम डिग्री कॉलेज के पास मिल गया। युवक का शव खून से लथपथ था। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या की गई है। युवक दीपक मिश्र बीटी गांव का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वाराणसी में एक व्यक्ति ने आर्थिक तंगी और अपनी बीमारी से परेशान होकर मौत को गले लगा लिया। आपको बता दें कि व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी और दो बच्चों को जहर दिया फिर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या। थाने के हुकुलगंज एरिया में एक सूचना मिली थी कि एक परिवार के 4 सदस्यों ने सुसाइड की सूचना थी। पुलिस ने मौके पर आके देखा कि इसमें एक किशन नाम का व्यक्ति था, उसने फांसी लगा रखी थी और उसके दो बच्चे और उसकी पत्नी बिस्तर पे मृत पाए गए।